प्रतिलोम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स या फिर व्युत्क्रम आव्यूह, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। यदि ए और बी दो एन क्रॉस एन इस क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तथा ए बी बराबर बी ए बराबर आई आई एन, अर्थात ये एक इकाई आव्यूह है एन क्रॉस एन क्रम का, तो हम यह कहते हैं कि बी ए का व्युत्क्रम या इनवर्स और रेसिप्रोकल है तथा बी ए का व्युत्क्रम या इनवर्स है। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि बी बराबर ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम और ए बराबर बी का इनवर्स अर्थात बी का व्युत्क्रम। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग दो आव्यूह लेते हैं, माना ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी एक दूसरा आव्यूह लेते हैं, इसके अवयव हैं -2, 1, 3/2, -1/2। तब इस केस में हम पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं या ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4 और ये -2, 1, 3/2 और ये -1/2। तो आपको ये पता है कि दो आवयवों का गुणा किस प्रकार करते हैं, तो पहला जो होगा इसका रो और फिर इसके कॉलम के अवयवों का संगत गुणा। तो एक का गुणा -2 के साथ तो -2 धन, दो का गुणा 3/2 के साथ तो आपको मिल जाएगा 3। इसी प्रकार एक का गुणा एक के साथ मिल जाएगा 1, दो का गुणा -1/2 के साथ आपको मिल जाएगा -1। अब 3 का गुणा -2 के साथ तो -6, 4 का गुणा 3/2 के साथ तो मिल जाएगा -6। इसी प्रकार 3 का गुणा 1 के साथ आपको मिल जाएगा 3 और 4 का गुणा -1/2 के साथ तो आपको मिल जाएगा -2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1001। ये आपको मिल गया a इंटू बी। अब हम निकालते हैं b इंटू ए, तो b ये है -2, 1, 3/2 और ये -1/2 और फिर a का मान 1, 2, 3, 4। फिर से गुणा करते हैं, ये इसका रो के अवयव और इसके पहले कॉलम के अवयव, तो 2 का गुणा 1 के साथ आपको मिल जाएगा -2, 1 का गुणा 3 के साथ मिल जाएगा 3, फिर -2 का गुणा 2 के साथ -4 और 1 का गुणा 4 के साथ -4। इसी प्रकार 3/2 का गुणा 1 के साथ आपको मिल जाएगा 3/2, फिर -1/2 का गुणा 3 के साथ तो ये -3/2, फिर 3/2 का गुणा 2 के साथ मिल जाएगा 3 और -1/2 का गुणा 4 के साथ -2। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1001। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि बी ए का व्युत्क्रम है और ए बी का व्युत्क्रम। ए का व्युत्क्रम एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो यह प्रमेय है और इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हम यह जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। माना यह समीकरण 1 है जहां पर आई इकाई आव्यूह है जिसका क्रम ए के क्रम के बराबर है। अब चूंकि ए व्युत्क्रमणीय अर्थात नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों पक्षों को हम डिटर्मिनेंट ए या सारणिक ए से भाग दे सकते हैं समीकरण 1 को। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इक्वल टू आई। माना यह समीकरण 2 है। तो यहां से हमें प्राप्त हो रहा है कि ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम जो है वो बराबर है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए के, और यही हमें सिद्ध करना था। यह आपको पता होना चाहिए कि केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही व्युत्क्रम
या इनवर्स जो होता है वह परिभाषित है। अगला प्रमेय का कथन इस प्रकार है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट के इनवर्स के। तो इसका प्रूफ किया जा सकता है कि चूंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई इक्वल टू वन। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू अगेन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। तो एक आव्यूह जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अगला प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार है, एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि एक ही आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम बी तथा सी है, तब व्युत्क्रम की परिभाषा से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माना समीकरण एक है, तथा ए सी बराबर सी ए बराबर आइडेंटिटी, अगेन ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण एक व दो से सी इक्वल टू सी आई इक्वल टू सी इंटू ए बी इक्वल टू सी ए इंटू बी इक्वल टू आई इंटू बी इक्वल टू बी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ए का जो व्युत्क्रम है यह यूनिक है या फिर अद्वितीय है। अगला प्रमेय, एक वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम तभी अस्तित्व रखता है जबकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात एक वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम तभी अस्तित्व रखता है जबकि ए व्युत्क्रमणीय है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि माना ए का व्युत्क्रम बी है, तब हम लिख सकते हैं ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात दोनों तरफ यदि हम डिटर्मिनेंट लगा दें तो डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई या आइडेंटिटी। तो यहां से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, अतः डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब मान करके चलते हैं कि विलोमता डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब पुनः यह मानते हैं कि बी बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तब ए डॉट ए इंटू बी इक्वल टू a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई अपॉन डिटर्मिनेंट a, और ये डिटर्मिनेंट a अंश और हर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी। तो इससे सिद्ध होता है कि b a का व्युत्क्रम है और इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध होगा। तो 2x2 का एक आव्यूह दिया गया है जिसके अवयव हैं 2, 3, 1, 4। इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि माना जो आव्यूह हमें दिया गया था ये ए है 2, 3, 1, 4, ये दो रो और इसमें दो कॉलम है तो 2x2 हो गया। आपको यह पता है कि ए इनवर्स जो होता है ये ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए 1x determinant A और adjoint A। तो किसी भी आव्यूह का हम इनवर्स या प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा adjoint A। तो पहले इन सारे अवयवों का adjoint निकाल लेते हैं और फिर उससे बना जो आव्यूह होगा वो adjoint A मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे A11 होता है आपका M11, ये है 4। कैसे ज्ञात करते हैं पहले आप देख चुके हैं A12 ये मिल जाएगा -M12 इक्वल टू -1, फिर A21
ये मिल जाएगा माइनस एम टू वन, ये इक्वल टू है माइनस थ्री, और फिर अंत में ए टू टू इक्वल टू एम टू टू, ये आपको मिल जाएगा टू। और आपको यह पता है कि एडजॉइंट ए जो होता है इसके अवयव होता है, इसे हम लिखते हैं ए वन वन ए वन टू, ये दो बाई दो का है, तो ये ए टू वन ए टू टू, ए वन वन ये है चार, ए वन टू यह है ऋण एक, ए टू वन ये है ऋण तीन, और ए टू टू ये है दो। तो हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए, ये जो आपको आव्यूह दिया गया है उसका आप सारणिक बना लीजिए। तो ये दो तीन एक चार, सरल करते हैं, चार और दो का गुना आठ, और फिर तीन और एक का गुना तीन, ये मिल गया आपको पाँच। तो अब हम ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए और फिर एडजॉइंट ए ये लिखेंगे। तो ये आपको मिल गया पाँच, तो ये एक बटे पाँच, और फिर एडजॉइंट ए ये है चार ऋण तीन ऋण एक और दो। अब इसके अवयवों को अंदर में हम गुणा कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू फोर बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, ये माइनस थ्री बाई फाइव, और ये टू बाई फाइव। तो यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए ए, यह एक दो बाई दो का अवयव है जिसके अवयव हैं पहले रो का एलिमेंट पाँच तीन और दूसरे में ऋण एक दो। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करता है तथा इस समीकरण का उपयोग करते हुए ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है। तो चूंकि पहले हमें यह सिद्ध करना है कि ए जो है ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करता है, तो एक्स के स्थान पर हमें ए को रखना होगा। तो उसके लिए हमें ए का वर्ग चाहिए या ए स्क्वायर चाहिए और थ्री ए चाहिए। तो पहले हम ए इंटू ए ये ज्ञात कर लेते हैं। दिया है ए का मान, यह है पाँच तीन ऋण एक ऋण दो, हमें चाहिए ए इंटू ए, और यही है ए स्क्वायर, पाँच तीन ऋण एक ऋण दो, पाँच तीन ऋण एक ऋण दो। दो आव्यूह का गुणा किस प्रकार करते हैं आपको यह ज्ञात है, इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स। तो पाँच और पाँच का गुणा करेंगे मिल जाएगा पच्चीस, तीन और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण तीन, फिर पाँच और तीन का गुणा करेंगे मिल जाएगा पंद्रह, तीन और ऋण दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण छः। इसी प्रकार अब दूसरा रो, ऋण एक और पाँच का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण पाँच, ऋण दो और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा धन दो, फिर ऋण एक और तीन का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण तीन, ऋण दो और ऋण दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा धन चार। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बाईस नौ, और यहाँ पर ऋण तीन और ये एक, तो बाईस नौ ऋण तीन एक, ये भी दो बाई दो का एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस सेवन आई। तो ए का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ट्वेंटी टू नाइन माइनस थ्री वन, फिर माइनस थ्री ए, ए के सभी अवयव में तीन का गुणा कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा पंद्रह नौ ऋण तीन और ऋण छः, और फिर सात के साथ में इकाई आव्यूह ज़ीरो ज़ीरो सेवन, ये आपको मिल चुका है। अब इसे हम आगे सरल कर लेते हैं, संगत अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये बाईस ऋण पंद्रह ऋण सात, ये और ये, फिर ये नौ ऋण नौ, नौ ऋण नौ, और फिर ये शून्य, ऋण तीन, ये ऋण तीन, ऋण और ऋण धन तीन, और फिर वो शून्य। फिर अगला एक और ऋण धन छः, तो एक धन छः और ऋण सात। आगे जब इसे सरल करेंगे तो पंद्रह और सात बाईस, बाईस ऋण बाईस शून्य, नौ ऋण नौ शून्य, धन तीन ऋण तीन शून्य, और छः और एक सात, सात और सात
साथ में साथ घटाएंगे शून्य, तो इस तरीके से आपको एक शून्य आव्यूह मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस सेवन आई इक्वल टू ज़ीरो, यह सिद्ध हो चुका है। या फिर इसे हम लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ कि आव्यूह ए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल माइनस सेवन इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करता है। अब अगले भाग में दिया गया है कि समीकरण का उपयोग करते हुए हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ये है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस सेवन आई इक्वल टू ज़ीरो। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में हम ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस थ्री इंटू ए माइनस सेवन और ये आइडेंटिटी इक्वल टू ज़ीरो। आगे जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इंटू ए फिर ए माइनस, अब थ्री उसके बाद ए इनवर्स और फिर ए, फिर माइनस सेवन ए इनवर्स और ये आइडेंटिटी इक्वल टू ज़ीरो। अब चूंकि आपको यह ज्ञात है कि ए इनवर्स इंटू ए ये आपको आइडेंटिटी मिलता है और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी आपको ए इनवर्स प्राप्त होता है, तो यहाँ से हम इसे सरल करते हैं, ये आपको मिल जाएगा आई और फिर ये ए, फिर माइनस थ्री आई फिर माइनस सेवन ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप सेवन ए इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस थ्री आई, और ए का मान हमें ज्ञात है जो कि है पाँच तीन ऋण एक ऋण दो, ये एक आव्यूह है और तीन के साथ आई का गुणा करेंगे मतलब उसी कोटि का होगा, तीन शून्य शून्य तीन। इसे सरल करते हैं तो ये सेवन इंटू ए इनवर्स है और इसको जब आप सरल करेंगे तो पाँच ऋण तीन फिर तीन ऋण शून्य ऋण एक और शून्य ऋण दो और ये ऋण तीन। सरल करेंगे तो मिल जाएगा दो तीन ऋण एक ऋण पाँच, दो तीन ऋण एक ऋण पाँच। तो यहाँ से ये अब सेवन इंटू ए इनवर्स का मान है, यहाँ से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ये मिल जाएगा वन बाई सेवन टू थ्री माइनस वन और ये माइनस फाइव, या फिर वन बाई सेवन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टू अपॉन सेवन थ्री अपॉन सेवन और ये माइनस वन अपॉन सेवन और ये माइनस फाइव अपॉन सेवन। तो यही ए इनवर्स का मान है जो कि आपको ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तीन बाई तीन का आव्यूह है जिसके अवयव हैं तीन पाँच सात दो ऋण तीन एक और एक एक दो, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम यह मान करके चलते हैं कि यह आव्यूह जो है ये ए है और इसके अवयव हैं तीन पाँच सात दो ऋण तीन एक 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 दो, ये तीन बाई तीन का आव्यूह दिया गया है। तो आपको ये पता है कि ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए ज्ञात होना आवश्यक है। तो यहाँ से हम पहले डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए इसका मतलब इसको आव्यूह को आप सारणिक में बदल दीजिए तो तीन पाँच सात दो ऋण तीन एक 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 दो, तो इसे आप संक्रिया लगाकर भी सरल करते हैं और संक्रिया नहीं लगाना चाहते तो सीधे आप प्रसार कर दीजिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष में। तो यहाँ पर यदि आप संक्रिया का उपयोग करें तो आप संक्रिया लगा सकते हैं कि R1 में R1 becomes R1 minus 3 into R3, ये आपका रो वन है और ये रो थ्री है।
यदि आप इसमें तीन का गुणा करके इसमें घटा देते हैं तो ये आपको शून्य मिल जाएगा, ये आपको दो मिल जाएगा और ये आपको एक मिल जाएगा। तो शून्य, दो, एक, ये आपको मिल चुका है। और R2 को हम R2 माइनस 2 इंटू आर थ्री इस प्रकार से सरल करते हैं। तो ये आपका रो 2 है, रो 3 में 2 का गुणा कीजिए इसमें घटाइए तो ये आपको मिल जाएगा शून्य, 2 का गुणा कीजिए और इसमें घटाइए मिल जाएगा ऋण 5, 2 का गुणा करेंगे तो ये ऋण 3 और फिर अंत में 1, 1, 2, ये सारणी का आपको मिल चुका है। अब ये जो प्रथम स्तंभ है इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए तो ये 1 और इसका जो उपसारणिक है ये 2, 1, ऋण 5, ऋण 3 गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 6, ऋण और ऋण धन 5 बराबर ऋण 1। तो सारणिक ए का जो मान है आपको 1 प्राप्त हुआ जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए हम लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम लोग एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए पहले सखंड ज्ञात कर लेते हैं। A11 ये इक्वल टू होगा M11, ये आपको मिल जाएगा -3, 1, 1, 2। देखिए ये A11 है, ये अवयव है और इसके रो और कॉलम को छुपाइए तो उपसारणिक बन जाएगा -3, 1, 1, 2। इसको सरल करते हैं तो आपको मिल जाएगा -6, -3 और 2 का गुणा करेंगे -6 और 1 और 1 का गुणा करेंगे -1, तो इस प्रकार आपको मिल गया -7। इसी प्रकार A12 ये इक्वल टू होगा -M12, माइनस साइन के साथ में आपका उपसरणिक 2, 1, 1, 2 गुणा करते हैं 2, 2, 4 और -1 तो ये आपको मिल जाएगा -3। इसी प्रकार A13 इक्वल टू M13 ये आपको मिल जाएगा 2, -3, 1 और 1 इस सरणी को हल करते हैं 2 और ऋण और ऋण धन 3 बराबर 5। फिर A21 ये आपको मिल जाएगा -M21 तो ये इसका जो उपसारणिक होगा ये है 5, 7, 1, 2 10, ऋण 7 बराबर 3। लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो आपको मिल जाएगा -3 यहाँ पर मिलेगा। फिर ये A22 तो ये M22 मिल जाएगा 3, 7, 1, 2 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 6, ऋण 7 बराबर ये आपको मिल गया -1। इसी प्रकार A23 आपको मिल जाएगा -2, 3 तो यहाँ पर जो उपसारणिक आपको मिलेगा 3, 5, 1, 1 ये 3, ये 5, 1 और 1 यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है 3 और 1 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3 और ऋण 5 यहाँ से मिल जाएगा -2 ऋण और ऋण गुणा करेंगे मिल जाएगा धन इस प्रकार ये धन 2 आपको प्राप्त हुआ। अब याद करते हैं A31 जो होगा ये M31 आपको प्राप्त होगा उपसारणिक 5, 7, ऋण 3, 1 5 और 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 5 ऋण और ऋण धन 7 या 21 हल करेंगे आपको मिल जाएगा 26। इसी प्रकार A32 मिल जाएगा -M32 32 यहाँ पर आपको जो उपसारणिक है ये है 3, 2 और 7, 1 ये माइनस साइन के साथ में है तो ऋण 3, ऋण 14 तो यहाँ से सरल करने मिल जाएगा ऋण 11 और ऋण धन 11 और अंत में A33 आपको मिल जाएगा M33 ये है 3, 5, 2 और ऋण 3 सरल करेंगे तो मिल जाएगा -9, -10 बराबर -19। आपको सभी अवयव प्राप्त हो चुके हैं तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 ये आपका अवयव। तो यहाँ से हम लोग सारे अवयव को रख देते हैं A11 ये -7 A12 ये -3 और फिर 5 फिर -3, -1, 2 और ये 26, 11 और ये -19
तो ये आपको एडजॉइंट ए प्राप्त हो चुका है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स जो होता है ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का जो मान आपको प्राप्त हुआ है ये है -1। तो यहाँ पर आप -1/1 करेंगे मिल जाएगा -1, और इसके साथ में ये आपका अवयव, तो -7, -3, 26, और -3, -1, 11, 5, 5, 2 और -19। -1 के साथ में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 7, 7 3 -26, 3 1 -11 और -5 -2 19, और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि सारणिक 2 4 5 1 इसका मान एक दूसरे सारणिक 2x 4 6x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सरल करते हैं, पहला सारणिक दिया गया है 2 4 5 1, दूसरा सारणिक 2x 4 6 और x, 2 और 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 2 4 और 5 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 5 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 20, फिर 2x और x का गुणा करेंगे मिल जाएगा 2x² 24। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x² बराबर 24 धन 2 20, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6। तो यहाँ से आप जब सरल करेंगे तो x² = मिल जाएगा 3, और इसे सरल करने पर आपको x = मिल जाएगा ±√3, और यही x का मान है जो हमें ज्ञात करना था। प्रश्न दिया गया है कि यदि a 3/3 क्रम का एक आवयव है तथा डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट a, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिखते हैं। दिया है कि डिटर्मिनेंट 2a ये 3/3 का है और k इंटू डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है। अब a के साथ में इस तरीके से है तो इसे जब आप सरल करेंगे, 2 को आप उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2 का घात 3 हो जाएगा, और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट a, और ये k इंटू डिटर्मिनेंट a। अब देखिए डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट a कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है k इक्वल टू 2^3 इक्वल टू 8, और यही आपको ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 1+x ये 7, 3-x और 8 ये आपको दिया गया है, एक अव्युत्क्रमणीय आवयु है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये मान करके चलेंगे कि जो आवयु दिया गया है वह a है, और ये इस प्रकार है। अब चूंकि दिया गया है कि a अव्युत्क्रमणीय आवयु है, a अव्युत्क्रमणीय आवयु है, अब ये अव्युत्क्रमणीय आवयु है तो इससे ये होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है यह 0 मिलता है हमें। तो ये जो आवयु दिया गया है इसको हम सारणिक में बदल लेते हैं, तो ये 1+x 7 और ये 3-x और ये 8 इक्वल टू 0। अब इस सारणिक को सरल करते हैं, 8 का गुणा इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा 8 × 1+x − 7 और ये 3-x = 0। सॉल्व करते हैं 8+8x − 21+7x, 8x + 7x करेंगे तो मिल जाएगा 15x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -13, उधर जाकर के हो जाएगा +13। सॉल्व करने पर x इक्वल टू आपको मिल रहा है 13/15, और यही वह x का मान है जो हमें ज्ञात करना था।